हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पॉन्जी रसगुल्ले। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर काऊ मिल्क। अब हम इसको गरम करेंगे। अब हम इसको एक बर्तन में डाल के बॉईल आने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे जिससे कि इसमें मलाई ना पड़े। अब देखिए, दूध हमारा धीरे धीरे बॉईल होने लगा है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम दूध को गैस से उतार के एक स्टैंड पे रख देंगे और इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, फिर हम दूध का छेना बनाएंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको फाड़ के छेना बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 नींबू का रस निकाल लिया है। अब इसमें मैं 6 टेबल स्पून पानी ऐड करूँगी। हम डायरेक्ट नींबू से नहीं फाड़ते हैं क्योंकि डायरेक्ट नींबू के रस से फाड़ने से छेना हमारा सॉफ्ट नहीं बनता है। अब इसमें 1-1 स्पून करके इसमें ये रस डालती जाऊंगी जब तक ये छेना फट नहीं जाता। अब देखिए, मैंने पूरा जो है नींबू और पानी का जो रस बना के रखा था उसको सारा यूज़ कर लिया है। अगर आपका उसमें भी ना फटे तो आप आधा नींबू और निचोड़ के इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे। अब देखिए, छेना अच्छे से फट गया है। अब हम इसे थोड़ा सा इसमें नॉर्मल पानी या ठंडा पानी ऐड करेंगे जिससे कि इसकी जो हीट होगी गर्माई निकल जाएगी। अब हम इसको छानेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छन्नी में एक कॉटन का कपड़ा रख दिया है। अब हम इसमें ये छेना इसमें छान देंगे। अब देखिए, ये सारा छेना मैंने इस कपड़े में डाल दिया है। अब हम धीरे धीरे करके कपड़े को ऐसे पकड़ के और छेने में से पानी निकाल लेंगे। अब देखिए, इस तरह हम सारा पानी इसमें से निकाल लेंगे और जो ये पानी निकलता है नीचे वो आप दाल में यूज़ कर सकते हैं, आटा गूंथने में। इसमें बहुत ही प्रोटीन होता है। अब इसको अच्छे से हम पहले निचोड़ लेंगे। अब इस छेना को हम धीरे धीरे नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे जिससे कि इसमें जो नींबू का खट्टापन होगा वो निकल जाएगा। अब हमने इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। अब हम इसका सारा पानी फिर से निचोड़ेंगे। अब देखिए, इसमें अच्छे से पानी निकल रहा है और जब तक ये पानी निकलना बंद नहीं हो जाए हम इसको निचोड़ते रहेंगे। अब इसको हम आधे घंटे के लिए छन्नी में इसी तरह रख देंगे। अब इसको रखे हुए आधा घंटा हो गया है। हम देख लेते हैं पानी अच्छे से निकल गया होगा इसमें। देखिए, छेना बहुत ही सॉफ्ट हुआ है। अब इसको हम किसी प्लेट में या किसी फैले बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसको मैश करने से पहले और सॉफ्ट बनाना है मैश करके हमें, क्योंकि इसमें अभी दाने दिख रहे हैं। इसको रगड़ रगड़ के हमें बहुत अच्छे से चिकना करना है। उससे पहले हम एक तरफ चाशनी चढ़ा देते हैं। हम एक बर्तन लेंगे जिसको गैस पे रख देंगे और बर्तन में हम 1/4 कप चीनी डालेंगे और इसी जिस कप से हमने चीनी नापी है उसी कप से हम 1/4 कप पानी भी ऐड करेंगे इसमें। अब हम चाशनी को उबलने देंगे और चीनी जब तक इसमें अच्छे से घुल जाएगी। अब हम इस छेने को हथेली की मदद से इस तरीके से प्रेस करते हुए रगड़ेंगे जब तक कि ये एकदम चिकना नहीं हो जाता है और इसके दाने ख़त्म नहीं हो जाते हैं। अब देखिए, इसको रगड़ते रगड़ते ये काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया है। हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भी हम रगड़ेंगे। यहाँ पे जो हमारी चाशनी उबल रही थी
इसको हम बड़े बर्तन वाले मुंह में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे छोटा इसका लग रहा है ऊपर का। इसको हम एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप शुरू से ही बड़ा बर्तन लीजिएगा, जिससे कि हमारे रसगुल्ले अच्छे से इसमें सेट हो जाएं और उनको फूलने की जगह मिल सके। हमने इसमें कॉर्नफ्लोर इसलिए डाला है जिससे कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो सके और ये चाशनी में जाके फटे ना। अब देखिए, ये मैंने अच्छे से इसको स्मूथ कर लिया है। अब इसमें एकदम कहीं भी जो है दाने नहीं रह गए हैं। इसको मैंने टोटल करीब 8 मिनट कॉर्नफ्लोर डाल के और कॉर्नफ्लोर से पहले मिला के टोटल 8 मिनट रगड़ा है इसको। अब हम इसको एक जगह इकट्ठा करके इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। अब देखिए, मैंने इसमें से इक्वल पार्ट में सारी लोई ले ली हैं और इनको अच्छे से ऐसे गोल करते हुए स्मूथ करना है हमें, और इसी तरह हमें सारी बॉल्स बना लेनी है। अब इधर हमारी चाशनी अच्छे से बॉईल होने लगी है और जो बॉल हम तैयार करते जाएंगे इस चाशनी में डालते जाएंगे। हमें गैस को हाई फ्लेम पे ही रखना है और जैसे जैसे बॉल बनती जाएंगी वैसे वैसे इसमें डालते रहना है। अब देखिए, हमने सारी बॉल्स को इस उबलती हुई चाशनी में डाल दिया है। अब हम इसको ढक के करीब 8 से 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे ही पकाएंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। करीब हमें 8 मिनट हो चुके हैं। देखिए, रसगुल्ले हमारे कितने फूल गए हैं। अब हम इनको धीरे धीरे करके थोड़ा सा पलट देंगे। अब हमने सारे रसगुल्लों को पलट दिया है। अब हम फुल फ्लेम पे ही 8 मिनट और पकाएंगे और इसको ढक के रख देंगे। अब देखिए, ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। करीब हमने 20 मिनट इसको ठंडा करने के लिए फ़ैन के नीचे रख दिया था। अब हम इसको आपको एक रसगुल्ला दिखाते हैं। देखिए, इसमें चाशनी पहुंच गई है लेकिन इतने अच्छे से नहीं पहुंची है। इसके लिए हमें इसको 3 घंटा और या फिर बाहर या फिर आप फ्रिज में इसके रख देंगे तो बहुत अच्छा इसके अंदर चाशनी पहुंच जाएगी और फिर हम इसको सर्व करेंगे। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम रसगुल्लों को चेक कर लेते हैं। हमें इसको रखे हुए फ्रिज में 3 से 4 घंटे हो गए हैं और देखिए, एक भी रसगुल्ला हमारा कहीं से भी फटा नहीं है। अब इसका मैं आपको रस निचोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें कितना रस भर गया है। पहले भी हमारा ये थोड़ा सा चाशनी में डूब गया था लेकिन बहुत अच्छे से नहीं, इसीलिए हम इसको 3 घंटे के लिए कम से कम इसको फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि ये ठंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, बने भी कितने अच्छे हैं ये रसगुल्ले। अपने साइज़ से ये डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपने अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप प्लीज़ बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।